सिवान जिला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे सिवान जिला का कुछ फेमस जगह। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीरादेई। यहाँ पर आपको देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का घर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और दूसरा है बाबा महेंद्रनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सिवान जिले के एक मुख्य धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ पर मानव निर्मित झील है जो कि 52 एकड़ में फैली हुई है। इस मंदिर की स्थापना नेपाल के राजा महेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। और तीसरा है आनंद बागमठ। सिवान के बखरी गांव में स्थित आनंद बागमठ एक बहुत सुंदर मंदिर है और इसके पास ही दाहा नदी भी देखने को मिलती है। और चौथा है लकड़ी दरगाह। सिवान से 15 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर मजार है। मुस्लिम लोगों के लिए यह जगह बहुत खास मानी जाती है। और पांचवा है श्री जालेश्वर नाथ धाम। जालेश्वर धाम सिवान जिले के एक मुख्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि भीखा बांध के बड़ा पोखर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आप लोगों को झील देखने को मिलती है और साथ ही यहाँ पर एक गार्डन भी है। और छठा है जड़तीमई मंदिर। यह मंदिर सिवान जिले के महाराजगंज में स्थित है। इस मंदिर में माँ चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं और मंदिर के गर्भगृह में जड़ती माता के दर्शन करने को मिलते हैं। और उसके बाद आता है बड़ी मस्जिद सिवान। यह मस्जिद काफी खूबसूरत है और ये मस्जिद सिवान शहर में स्थित है जो कि आप लोगों को छपरा वाले रोड में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आता है रघुनाथपुर। सिवान जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान राम ने बक्सर के पास राक्षस ताड़िका को मारने के बाद विश्राम किया था और बाद में भगवान राम सरयू नदी को पार करने के बाद जनकपुर धाम के लिए रवाना हुए। और उसके बाद है भीखा बांध। महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत भीखा बांध गाँव में भाई बहनी का एक मंदिर है। और लोक कथाओं के अनुसार एक भाई बहन ने 14वीं शताब्दी में मुगलों से लड़ते हुए अपनी जीवन बिताया। और उसके बाद आता है सुहागरा धाम। सुहागरा धाम एक मुख्य धार्मिक स्थल है जो कि सुहागरा गांव में स्थित है। यहां पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और उसके बाद हम लोग आते हैं श्री बाबा हरिराम ब्रह्मा मंदिर। मैरवा धाम के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर मैरवा धाम हरि बाबा ब्रह्मा को समर्पित है और इसके साथ ही आपको इस मंदिर में एक बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन भी करने को मिलते हैं। और मंदिर के पास ही में एक बहुत ही सुंदर तालाब भी है। और उसके बाद आता है पंचमंदिर घाट। सिवान जिले के दरौली में स्थित पंचमंदिर घाट एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर घाघरा नदी है जहाँ एक सुंदर घाट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ एक मंदिर भी है जहाँ आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन करने को मिलती है। और उसके बाद आता है मलमलिया का हनुमान गढ़ी मंदिर जो कि बहुत बड़ी मंदिर है और यह मंदिर मलमलिया बाजार में 4 चांद लगा देती है। और है बुढ़िया माई मंदिर। सिवान शहर के गांधी मैदान के पूर्व उत्तरी भाग में स्थित है यह मंदिर। और उसके बाद आता है शुक्ला टोली का हनुमान मंदिर जो कि बहुत बड़ी हनुमान जी की मंदिर है। और है पंचमुखी शिवलिंग। सिवान शहर के महादेवा में स्थित है यह मंदिर। और हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी शिकायत या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप लोग अपने अगल बगल के फेमस जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि तीसरा वीडियो में हम और भी ज्यादा ऐड कर सकें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो तो जरूर कीजिएगा।